And we are live once again. We are live once again. And 11 बजे हम वापस आ गए निधि Day 5 roundup. Brazil, we saw Switzerland getting that win. Uruguay nil against South Korea. Portugal versus Ghana thriller, जैसे आप स्क्रॉल पे देख सकते हैं. And the Richarlison masterclass for Brazil against Serbia. उस पे हम I'm sure आएंगे निधि. But कैसा था कल का पूरा मैच डे एक्सपीरियंस निधि तेरे लिए? कल मैराथन था बट कल मजा आया भाई. मतलब इन टर्म्स ऑफ यार अगर तू देख स्विट्जरलैंड और कैमरून का मैच तो मैंने नहीं देखा. गुड मॉर्निंग अनिकेत. स्विट्जरलैंड और कैमरून का मैच तो मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली. लेकिन उसके बाद उरुग्वे साउथ कोरिया मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था फिर प्रॉपर स्नूज फेस्ट बन गया. मतलब वो बेसिकली ऐसा होता है ना कि आप तू नहीं बोला था ना कि कोई बोल रहा था कि अ बॉक्सिंग मैच वेयर You're trying a lot but none of the punches land. वैसा yeah. लग रहा था. हाँ. नहीं समझ आ रहा था वो मैच मेरे को. फिर पोर्चुगल घाना का भी फर्स्ट हाफ थोड़ा ठीक सा. सेकंड हाफ तो मेड अप फॉर ऑल ऑफ इट. एंड ब्राजील सर्बिया में भाई वो तो सेकंड हाफ में मतलब ब्राजील ने मतलब आई थिंक कुछ 1000 साल हो गए थे. एक कमेंट आया था कि 1000 साल हो गए सर्बिया को बॉल टच किए हुए और वो सच बात थी. मतलब इतना डोमिनेट किया ब्राजील ने. मतलब रिचार्लिसन का गोल तो खैर था ही बट अदरवाइज आल्सो यार कैसेमीरो बजा रहा दो. मतलब फ्रेड भाई फ्रेड इनिएस्टा बन चुका था. तो मतलब क्या ही बोले ब्राजील तो अलग खेल रही थी कल. हाँ ब्रो बट गुड मॉर्निंग संकेत. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन यार. बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हो इन द मॉर्निंग टू लिसन टू अस. बट निधि पोर्चुगल से स्टार्ट करते हैं. अच्छा नहीं एक्चुअली उरुग्वे से स्टार्ट करते हैं बिकॉज तू वॉच अलॉन्ग कर रहा था. निधि क्या मतलब न्यूनेस के बारे में एक छोटी सी गपशप हो जाए. हाँ बिल्कुल. कैसा लगा न्यूनेस कल? मतलब वो न्यूनेस मेरे को लगता है ना हमेशा वो एक ही मोड में खेलता है. इट्स लाइक मतलब When you have a puppy and you come home from work, how does a puppy behave? कि मतलब मैं इसके पीठ पे चढ़ूं कि मैं इसके पेट पे चढ़ूं इसके चारों तरफ घूम लूं. ठीक है वो सब कर रहा है but it's not doing the one thing that you want is sit in your lap. वो मतलब बुरा नहीं था honestly. बुरा नहीं था वो. It's not like कि कुछ गलत किया उसने या कुछ बहुत लोग उसका जो मिस बोल रहे हैं यार वो बहुत टफ फिनिश था. बट वही है मैं चाहता हूँ कि यार वो थोड़ा सा अपने आप को शांत करे. पता नहीं योगा वोगा मेडिटेशन कुछ तो यू नो कल्ट में बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है उसको ज्वाइन कर ले भाई. कुछ तो कर. मतलब सुआरेज है बगल में तेरे साथ कवानी है. ये दोनों प्लेयर्स मतलब क्लब लेवल पे इतना अचीव किया है सब कुछ किया है इंटरनेशनल लेवल पे भी अचीव किया है. तो थोड़ा सा मतलब आई थिंक ही नीड्स कामनेस यार. ही नीड्स कामनेस अदरवाइज तो फिर मतलब ऐसे चलेगा नहीं. मतलब ही अगेन आई एम नॉट सेइंग 6 out of 10 परफॉर्मेंस. निधि की एनालॉजी शुरू हो गई है. हां जी इट हैज स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग. निधि मेरे को मालूम है क्या लगता है कि अगर आप न्यूनेस को बोलो ना कि काम डाउन तो वो उसकी इफेक्टिवनेस चली जाएगी. उसका सबसे बड़ा एसेट है the unpredictability of this move, the sheer suddenness of this move. You know, it is that what Arnab had said, that is newness. You don't know कि वो क्या करने वाला है मेरे भाई और वो उसका सबसे बड़ा एसेट है. और even he doesn't know वो क्या करने वाला है. वो और बड़ा एसेट है. He can give you a 11 on 10 performance and then he can do what he did yesterday, like be nowhere involved. But बंदा सेकेंड मिनट में इतना गंदा टैकल किया उसने भाई. वाज लकी टू नॉट गेट बुक्ड. क्या जरूरत है मतलब काम डाउन ना. मतलब हर टाइम मतलब फुटबॉल का रणवीर सिंह है भाई वो. उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम थोड़ा 2 मिनट शांति से बैठा करो. फुटबॉल दुनिया का रणवीर सिंह. मैं ये रेफरेंस देना चाह रहा था रणवीर सिंह वाइब्स है. बट अगर तू रणवीर सिंह से वो निकाल देगा उसकी पर्सनालिटी. अरे मगर गली बॉय में रणवीर सिंह ने निकाल दिया ना वो अपने पर्सनालिटी से तभी से इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया ना. मैं गलत नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई. नहीं मैं समझ रहा हूं. मैं टोटली समझ रहा हूं. अरे भाई मैं वही बोल. लेकिन वो एक्टिंग कर रहा था ना. So, but reality में हम जानते हैं वो क्या क्या करते हैं। क्रिस्टल पैलेस पे पेनल्टी लेता है लाइक और फिर आसिल फैन टीवी पे जाकर क्या बोल, वो रियल पर्सनालिटी तो वो है ना उसकी। सो नूनेज हैज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, नूनेज ऐसा ही है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है कभी भी। नहीं एक्सेप्ट तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं बस बात बोल रहा हूँ कि है अभी वैसा क्या कर सकते हैं। एक सुपर चैट आया है दीपेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन ब्रदर, मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली। और ब्रूनो पे आएंगे तब आपके इस पे और भी बात करेंगे, आपका मैसेज मैंने स्टार कर दिया है, बिल्कुल इसके ऊपर और बात करेंगे। बट अभी हम लोग उरुग्वे वर्सेस साउथ कोरिया पे बात कर लेते हैं पहले। दीदी गोडीन खेला, हम लोग मैं तो सरप्राइज से वो स्टार्ट किया बट सॉलिड परफॉर्मेंस है। 39 ईयर ओल्ड निधि यार, मतलब थोड़ा उधर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। कल एक 30 ईयर ओल्ड थियागो सिल्वा एंड 39 ईयर ओल्ड गोडीन ने क्लीन शीट्स इनसे ऑलमोस्ट विनर भी स्कोर कर दिया था यार गोडीन ने। मतलब वो नहीं गया अंदर आई थिंक। बट मैं कल मुक्तेश से बात कर रहा था कि अराउहो को इसी कंडीशन पे शायद बार्सिलोना ने अलाउ किया है कि वो जब तक 100% फिट नहीं हो वो नहीं खेलेगा। और बीच में शायद ये भी बात आई है कि वो शायद पोर्चुगल के अगेंस्ट स्टार्ट करेगा और क्या बोलते हैं कि मतलब बार्सिलोना आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन और वो सारी बातें। बट अगर अराउहो 100% फिट नहीं था तो मोस्टली आई थिंक गोडीन ही स्टार्ट करने वाला था। बट हैविंग सेड सो व्हाट अ परफॉर्मेंस। या क्वार्टेस आई एम सॉरी आई थॉट ही वाज 39 राकेश जैसे आप बोल रहे हो, बट क्वार्टेस भी था बेंच पे। आई थॉट ही वाज 39 या क्वार्टेस भी था बेंच पे, सेबास्टियन क्वार्टेस जो स्पोर्टिंग के लिए खेलता है। बट आई थिंक प्रायोरिटी सेट है उधर एंड क्लीन शीट रखा। बट उरुग्वे डिडंट क्रिएट मच in the entire game. South Korea निधि काफी underwhelming था ना लाइक उनका performance like हाँ बोलना। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि देखिए यार honestly एक बात बोलूँ, उरुग्वे से ना लोग बहुत पता नहीं शायद because South American team है expect करते हैं एक certain kind of flair और वो सारी बातें। अभिनव इसके बारे में भी बात कर लेंगे ठीक है। आई थिंक बहुत एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि यार उसका बहुत ज़्यादा ये रहेगा, बहुत फ्लेयर रहेगा। बट आप उरुग्वे के परफॉर्मेंसेस इसके पहले भी वर्ल्ड कप्स में देखो ना, दे हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ कि भाई कि बहुत ज़्यादा एकदम ब्राज़ीलियन टाइप का फुटबॉल या इवन अर्जेंटीना का जैसा फुटबॉल नहीं, वैसा नहीं खेलते हैं वो लोग यार। दे आर अ वेरी क्या बोलें उसको ऑपरेशनल टीम। उरुग्वे हमेशा से ऐसा खेली है। दे आर नॉट लाइक अ ब्यूटीफुल फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो आप साउथ अमेरिकन से यूजुअली जो एसोसिएट करते हो ना, वैसा नहीं है। हाँ हाँ अमित गोल्डन 36 का है पता चला, मैंने भी गूगल कर लिया। And I said तन्मय I said थियागो सिल्वा 38 not 30। हाँ सो आई थिंक वो एक उरुग्वे से हैविंग सेड सो कल का परफॉर्मेंस मेरे को वही था ना कि साउथ कोरिया की तू बात कर रहा है। Valverde almost scored the, I think Valverde mostly उतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि उसको फ्रीडम कम मिलती है उरुग्वे के सेटअप में। उसको एक पर्टिकुलर रोल असाइन किया हुआ है जो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू हिज रियल मैड्रिड रोल। तो बट अगेन हैविंग सेड सो ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड द विनर। साउथ कोरिया भाई आई थिंक वो लोग का बहुत सिंपल प्लान था, टू शॉर्ट पासेस वन लॉन्ग बॉल, टू शॉर्ट पासेस वन लॉन्ग बॉल। खेल रहे थे वो लोग ठीक से, लेकिन वही था कि भाई उनका भी फिनिशिंग एज मिसिंग था। मेरे को सॉन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। आई डोंट थिंक ही कुछ ऐसा उसने क्लियर कट कोई एक रन बनाया या क्लियर कट चांस बनाया। तो आई थिंक दोनों ही टीम से मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मतलब इट इज व्हाट इट इज टाइप्स। तेरे को कैसा लगा साउथ कोरिया का प्ले? अंडरवेलमिंग यार, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था साउथ कोरिया से। शायद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई आफ्टर जापान एंड जो सऊदी ने किया, मेरे को लग रहा था ज्यादा। बट एट द एंड ऑफ द डे यार दे गॉटन अ पॉइंट, इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट, इट्स अ बैड रिजल्ट फॉर उरुग्वे बिकॉज़ दे हैव टू प्ले घाना एंड पोर्चुगल। बट इट इज अ बैड रिजल्ट फॉर उरुग्वे। या इट इज अ बैड रिजल्ट फॉर उरुग्वे, मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट एज बैड जो जर्मनी का हुआ। बट एक पॉइंट आई थिंक साउथ कोरिया ले लेगा। एक पॉइंट अभी दे विल बी सी, साउथ कोरिया बैंक करवाएगा कि वी हैव टू बीट घाना एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम देयर। So in the grand scheme of things, the point is better for South Korea, मेरे humble opinion में, than compared to Uruguay. And Uruguay के पास ही दो chance थे जो पोल पे मारा. Valverde वो चले आता, पूरा complexion change हो जाता. End में जो last में opportunity था. Exactly. That would have made things. We would have said, oh, what a professional performance from Uruguay. They were solid. They scored that important goal. But 19-20 हो गया. यार guys, 170 people watching, please do like the stream. और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, please कर दीजिए. Yes, दीदी. हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ सोम्यदीप, ब्राजील पे अभी हम लोग आए नहीं है. अभी हम लोग मैच वाइज चल रहे हैं. तो पहले तो हमने अभी हम उरुग्वे वर्सेस साउथ कोरिया पे हैं. आएंगे ब्राजील के ऊपर तो बहुत कुछ है बात करने के लिए. कि कोई पूछ रहा था व्हाट अबाउट डार्विन्स वर्क रेट. डार्विन का वर्क रेट बहुत अच्छा था यार. वो तो हमेशा ही रहता है, वो हमेशा ही रहता है, वो तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो. उसका वर्क रेट इज नॉट क्वेश्चनेबल. आप देखो वो पीछे डिफेंस करने के लिए आ रहा था, वो रन बना रहा था. यार कितनी बार हुआ कि वो लेफ्ट फ्लैंक पे रन बना रहा है, उसने चार डिफेंडर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं. बट थोड़ा कंपोजर और अच्छा रहता तो अच्छा होता. बट आई गेस यू नो धीरे धीरे वो भी आएगा. एक कंपोजर ही वर्ड है निधि, कंपोजर ही वर्ड है जो इसके गेम में लैकिंग है फिलहाल. वही लैकिंग है ऑनेस्टली. इट इज नॉट लाइक अ लॉट. सादिक भाई चैट में आ गए क्या. सादिक भाई इट्स लाइक कैसे हो, इट्स नॉट लाइक क्या हाल हो, कैसे हो मेरे वर्ल्ड कप के चाहने वाले. सादिक भाई इधर भी अल्फाज इतने मीठे यूज, क्या हाल है. मतलब यू कैन मेक दिस सेइंग आल्सो स्वीट. सादिक भाई कम ऑन. मानस भाई आप ही थे ना फास्ट ट्रैक के ऐड में. हां जी मैं ही था वो फास्ट ट्रैक के ऐड में था मैं. हां जी अब हम आते हैं भाई, अभी हम आते हैं. मानस एनी लास्ट वर्ड्स ऑन उरुग्वे. डिसअपॉइंटिंग फॉर उरुग्वे. अभी तो मुश्किल होगा. पोर्चुगल अच्छा खेला, घाना भी. आई थिंक the easiest game, unfortunately I hate to say this, was against South Korea and they haven't taken maximum points. So abhi thoda mara mari hoga. Who do they play next? Ek second, I'm just seeing. Japan, Costa, Belgium, South Korea, Ghana hai. Okay, next game. So that means Portugal are playing Uruguay. भाई यूरुग्वे के लिए बहुत टफ है नेक्स्ट गेम. पोर्चुगल है, साउथ कोरिया, घाना है. साउथ कोरिया अगर वो गेम जीत गया ना घाना के अगेंस्ट एंड दे हार गए तो फिर अगेन डन. इट्स वन जर्मनी टाइप सिचुएशन है भाई. इनको एक पॉइंट ज्यादा है श्योर, बट दे हैव लॉस्ट अ गेम वेयर दे वुड हैव एक्सपेक्टेड टू विन. वर्ल्ड कप ब्रो यही है ना फॉर्मेट. तीन गेम ऐसा, लक ऑफ द ड्रॉ, लक ऑफ द फर्स्ट फिक्चर, एंड दे हैव नॉट मेड इट काउंट ब्रो. दे गॉट अ गुड फर्स्ट फिक्चर निधि इधर तो. They have not made it count. एक और super chat आया, since it's on the same subject. Why Darwin Nunez was so poor? Missed big chances. एक big chance miss किया. हाँ, exactly. First of all, Subham, thank you for the super chat. भाई, I think एक super chat miss किया, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक big chance miss किया. हम लोग वही बात कर रहे थे यार Darwin Nunez के बारे में कि he was not poor. He just lacks a certain aspect in his game. जो हमारे हिसाब से कंपोजर है. तेरे हिसाब से मानस पुअर? आई डोंट थिंक पुअर था यार. मैं लिवरपूल के एस्पेक्ट से लूंगा. डार्विन न्यूनेज एवर्टन के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट एक दो बार इफ यू रिमेंबर वो वॉलीज लेफ्ट फुट से, राइट फुट से, पोल पे, सुपर सेव्स फ्रॉम पिकफोर्ड एक्सेट्रा, वो सब करता है. एंड देन ही कैन मिस लाइक व्हाट ही डिड अगेंस्ट आयक्स. Yes, Darwin Nunez is that unpredictability है. और फिलहाल उसकी unpredictability ज़्यादा है than what it should be. Like I like that unpredictability about him, but obviously when he misses a sitter, it is very frustrating. I think he needs to ensure that he keeps that side of him and then just calms down. And I'm sure ये हम तो as an average supporter देख रहे हैं कि दिख रहा है हमें कि भाई ये थोड़ा हड़बड़ा जाता है. I'm sure he's working in this game like that. I'm sure Klopp and company will be telling him, "Bhai, thoda aaram se, time lete karega." Wohi hai, and he's not very poor, yaar. I mean, Darwin Nunez was as good or as bad as any player yesterday for you. Matlab Suarez was bad yesterday. I think matlab Heung-min Son ne kuch bhi create nahi kiya kal. तो मतलब ऐसा नहीं है, कल फॉरवर्ड्स दोनों ही टीम्स के मेरे हिसाब से मिसिंग थे। अब माना आते हैं पोर्चुगल पे, बट थैंक यू फॉर द सुपर चैट शुभम। अब आते हैं पोर्चुगल पे। भाई पोर्चुगल का फर्स्ट हाफ जब चालू हुआ मेरे को लगा कि क्या ये गेम है यार, मतलब वैसे ही धीरे 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 मतलब पोर्चुगल ट्राई कर रही है। रूबेन नेवेस बहुत अच्छा खेल रहा था, पर घाना भाई ऑनेस्टली समझ आ रहा था यार कि घाना का प्लान ये है कि मैच को ज्यादा देर तक गोललेस रखो या कंसीड नहीं करो। ऑलमोस्ट सक्सीडेड, बट देन इट ऑल स्टार्टेड विद अ पेनल्टी अगेन। रोनाल्डो एंड मेसी बोथ हैव स्टार्टेड देयर campaign in the World Cup with a penalty each. कैसा लगा तेरे को पोर्चुगल एंड घाना का गेम? यार घाना I remember till the 40th minute I think they did not have a touch in Portugal's penalty box. इतना defensive game plan था, but उनकी shape epic थी. They kept their shape really well in the first half में थी. और you know till they scored the two goals, एक स्टार्ट ये था निधि कि none of the African teams had scored a goal in the World Cup. घाना ने at least वो break कर दिया। आप देख लो मोरक्को देख लो, टुनिशिया देख लो, कैमरून देख लो, they had not scored a goal. At least घाना ने दो मारा, they've got the ball rolling. But भाई निधि उनके substitutes इतने बकवास थे, they equalized निधि and they took out Kudus and Ayew. The guy Kudus was most influential भाई game में. Ayew scored. आपने उधर ही मोमेंटम पूरा चेंज कर दिया और उसके लिटरली 2-3 मिनट के बाद 2 मिनट पे 2 गोल हो गए. It was such a bad change. What was why? मतलब they could have removed that striker. I'm forgetting his name. He was working really hard for them. But he was tired. He kept him on and he removed Kudus and Ayew. उसके मतलब it everything just changed after that. मतलब I was really disappointed how they crumbled इतना quickly, because थोड़ा soft spot रहता है for underdogs and African teams as well. But ठीक है Portugal. इनाकी विलियम्स की बात कर रहा है तू? इनाकी विलियम्स की बात कर रहा हूँ। He worked his socks off यार पूरे मैच में. उसको निकालना चाहिए था, वो इतना टायर्ड था, पर इससे कुडूस को निकाल दिया जो जेन्युइन थ्रेट और अच्छा खेल रहा था. आयु जिससे गोल मारा और उसके बाद गेम बदल गया यार. कुडूस बहुत अच्छा खेला यार, और कुडूस तो उसके अगेंस्ट हम खेले भी हैं आयक्स में, हमको पता है मोहम्मद कुडूस बहुत सही प्लेयर है. बट आई थिंक यार ऑनेस्टली कल एक सुपर चैट भी आया, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं. दीपेश का था, सी दैट ऊपर आया था यार. ब्रूनो फर्नांडिस यार उसको मतलब इतना बोलते हैं, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी उससे कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. रैन द शो यार दीपेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन यार. आई थिंक मतलब बहुत ही सही खेला यार. आई थिंक पोर्चुगल घाना का वही था ना यार कि घाना जैसे तूने बोला कि उन्होंने इक्वलाइज करके मैच सरेंडर कर दिया. बहुत वियर्ड लगा उनका सब्स्टिट्यूशंस, और मतलब और वो फिर एक दो उनके चांसेस भी मिले भाई. उनका डियोगो कोस्टा, उनका कीपर, वो तो भाई क्या ही कर रहा था एंड में, वो तो मस्ती कर रहा था भाई. वो अगर इनाकी विलियम्स अगर ही वुड हैव अराइव्ड अ फ्रैक्शन अर्लियर ना, ये आज हम बिल्कुल ही अलग कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, अलग कॉन्वर्सेशन कर रहे होते. हाँ भाई थोड़ा उधर डाइसी लग रहा था मामला. राफेल लेआओ ब्रो, सिर्फ पहली बात आई टोटली एग्री, ब्रूनो वाज आउटस्टैंडिंग है. ब्रूनो कल प्लेड रियली रियली वेल, बट राफेल लेआओ आया गोल. मतलब फर्स्ट ऑफ निर्मन का निधि भाई, मानस भाई, बारसा फैन स्टार्ट वाचिंग आफ्टर बारसा कंट्रोवर्सी. उसके बाद मैं एज ए टॉक्सिक फैन आया था, एक दो स्ट्रीम देखा फिर आप लोगों को. थैंक यू निधि म्यूट कर दे एक मिनट अगर वो चल रहा है तो, इफ नॉट तो रहने दे. थैंक यू यार हरमान फॉर योर जेन्युइन थॉट्स. राफेल लेओ शुड स्टार्ट मोर गेम्स यार फॉर पोर्चुगल. अगर आप मेरे को पूछो, वो एसी मिलान के लिए इज रनिंग द शो. चेल्सी अपेरेंटली आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिम. वो आया 1 मिनट में बूम गोल खत्म. वो इतना उसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन गोल में नहीं होता है कि द वे ही अट्रैक्ट्स डिफेंडर्स, द वे ही रन्स विद द बॉल, द वे ही कैन पास द बॉल, द वे ही कट्स इन, I think that is something, you know, Portugal can benefit easily from. But then you have to play Ronaldo as well. So थोड़ा उधर वो मारा मारी हो जाता है, बट वो आया and the game changed Nidhi, and I really like Rafael Leao as a player. मैं लियाओ तो था ही यार. मैं एक बात बोलूं, जॉओ फिलिक्स although he scored and I still feel, मतलब मैं कल different streams पे था, मैंने यही चीज बोली कि I think जॉओ फिलिक्स को एक बढ़िया मैनेजर मिल जाए ना, he can be a brilliant player. बट कल फर्स्ट हाफ में जॉओ फिलिक्स काफी फ्रस्ट्रेटिंग था यार. मतलब बहुत सारे उसने इंटरसेप्शंस में, पूरा पोर्चुगल ही फ्रस्ट्रेटिंग था निधि. फर्स्ट हाफ में डेनिलो एंड कभी-कभी क्या होता है ना निधि, लाइक जब ऐसा फर्स्ट हाफ चल रहा है और आप क्रिएटिव प्लेयर हो ना, सो यू जस्ट फील यू हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा. आप बॉल दे देते हो एंड एज ए व्यूअर आपको वो थोड़ा स्टूपिड लगता है. ही वांटेड टू मेक थिंग्स हैपन. हाँ मतलब थोड़ा ये भी होता है ना यार कि उसका एथलेटिको के साथ सीन चल रहा है कि भाई खेलेगा नहीं खेलेगा. एक ये होता है कि भाई मेरे को प्रूव करना है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले डार्विन नूनेज के बारे में बात कर रहे थे. ऑल्दो डार्विन नूनेज में नहीं होना चाहिए, उसका क्लब कंट्री दोनों में प्लेस बहुत सेटल्ड है, बट मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ कि जो मैंने देखा फर्स्ट 45 मिनट्स में, आई डोंट थिंक कि मतलब उसको भी थोड़ा कंपोजर. एक उसने बॉल डाली थी जो आई थिंक ही वाज नॉट इंटेंडिंग दैट, वो उसको रोनाल्डो को पहुंच गई, वो रोनाल्डो फिनिश कर देता तो भी बहुत सही होता. राफेल लियाओ और नूनो मेंडेस पेस ऑन द लेफ्ट कुड या एग्जैक्टली. राफेल लियाओ की तो हम बात कर रहे थे, नूनो मेंडेस तो भाई देख इंजर्ड है ना, तो वो है. व्हाई डज सैंटोस स्टार्ट विद विलियम कार्वालियो, व्हाट डज ही ऑफर? स्वप्निल यार मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन जो सेकंड जो जाओ फिलिक्स ने जो गोल स्कोर किया ना, उसमें विलियम कार्वालियो ने बॉल विन किया था और उसने ब्रूनो को बॉल दी और फिर ब्रूनो ने जाओ फिलिक्स को बॉल दी. तो ऐसा नहीं कि विलियम कार्वालियो डज नॉट ऑफर एनीथिंग. विलियम कार्वालियो बहुत ही सॉलिड प्लेयर है. जब आपके पास इतने फ्लेयर प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे पोर्चुगल के पास है, आपके जैसे कंसेलो भी भागता है आगे, सो आपको विलियम कार्वालियो जैसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा सब कुछ संभाले. मेरे को तो बहुत ही तगड़ा लगता है विलियम कार्वालियो. आई लाइक हिम एज अ प्लेयर. बट जब आपके अटैकिंग प्लेयर्स ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कुछ, जो फर्स्ट हाफ में हुआ, देन दीज क्वेश्चंस कम इन, यार इसको निकाल के ये कर सकते हैं कि नहीं, वैसा ही वाला सीन है. आई थिंक इज अ गुड प्लेयर. यू हैव टू हैव अ प्लेयर लाइक विलियम कार्वालियो इन योर टीम, लाइक ब्राज़ील के पास कैसेमीरो. आई एम नॉट सेइंग द सेम लेवल, बट mold of player, you know. Argentina bhi to khele na, Paredes or with whom did they play Nidhi? Paredes and who was the other midfielder? I'm sure chat mein aa jayega. They have two rigid players in the middle, so you need a player. No. They I'll just check chat mein shayad aa jayega. I'm forgetting. Argentina played with De Paul. Yeah. वही, सो यू आपको वैसे वो रिजिड तगड़े प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में, एंड आई थिंक विलियम कार्वालियो इज अ गुड प्लेयर यार. और जीत गया ना यार, मतलब पोर्चुगल जीता कल, और क्या चाहिए आपको? यू जस्ट नीडेड टू स्टार्ट द टूर्नामेंट वेल, यू हैव डन दैट, दैट्स ऑल दैट यू नीड निधि. बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो सी निधि ऑफ द मार्क भाई कल. मतलब आई थिंक उसको ये तो था कि गोल मारो. आई थिंक इट वाज रियली गुड इन अ वे कि ही ओपन द स्कोरिंग. ऑब्वियसली वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था. कोई लिख रहा डिएगो कोस्टा हरकत तो करेगा ही, चेल्सी से जो लिंक हुआ है. अरे यार आई थिंक चूज बिटवीन डेनिलो पेरेरा एंड विलियम कार्वालियो. इट डिपेंड्स ऑन द गेम दोस्त. आई थिंक रोनाल्डो के ऊपर वापस आते हैं भाई. मैंने ये शुरू से बोला है कि क्लब लेवल पे जो भी चल रहा है ना, रोनाल्डो इज अ प्लेयर हु कैन कंपार्टमेंटलाइज. आई सी हिम हैविंग अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट. मतलब अब मैं जीतेगा नहीं जीतेगा वो अब अगेन मैं मतलब आई डोंट वांट टू डू प्रेडिक्शंस कि मैच जीतेगा कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा या नहीं, वो अलग बात है. डिड रोनाल्डो डिजर्व मैन ऑफ द मैच अवार्ड? मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच वाज ब्रूनो फर्नांडिस. डिजर्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट द गोल ही स्कोर्ड. हाँ इस पे भी आते हैं. आई थिंक, बट ओवरऑल उसका बोला जाए ना तो आई पर्सनली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पोर्चुगल ने एक चीज बहुत अच्छी की थी सेकेंड हाफ में, विच इज दे डिड नॉट ट्राई टू मेक एवरीथिंग गो थ्रू रोनाल्डो. उन लोग ने मतलब वो थोड़ा सा एक ट्वीक किया अपने अप्रोच में कि हर चीज, दे वर नॉट मेकिंग रोनाल्डो द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट हेल्प देम. या बट हैविंग सेड सो, और वो बहुत ड्रॉप डीप कर रहा था. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी पोर्चुगल के हिसाब से ना, आई थिंक कि भाई उनको बहुत सारे गेम्स में ना, जैसे घाना थी, उरुग्वाय आएगा, दे हैव टू लुक एट अदर आउटलेट्स. रोनाल्डो विल ऑफ कोर्स बी इंपॉर्टेंट, वो तो इतना बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर, वो तो खेलेगा. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ गोल आउटपुट ना उनको वो थोड़े ट्वीक्स करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन मैच कैसा चल रहा है. एंड आई थिंक अगर वो जैसे तूने कंपार्टमेंटलाइज बोला ना उसके बारे में, वो रोनाल्डो को भी पता है हाउ ही हैज टू अप्रोच, व्हाट ही ऑफर्स टू दिस साइड, हाउ ही कैन give and contribution to Portugal winning the World Cup. I think he totally knows that. Nidhi, ये ले लेते ऋषि, the goalie scored in the first half. मेरे को थोड़ा soft लगा वो foul, but अगर वो foul नहीं देते ना और वो goal होता तो भी गलत नहीं होता. Like it is a bit of both. I वो foul दिया, अब लग हाँ ठीक है दे दिया. Like it was not a howler by any stretch of the imagination. But मैं ये समझ सकता हूँ कि लोग को क्यों लग रहा है कि यार ये तो foul नहीं है. तेरा रिएक्शन क्या था निधि? सेम, आई थॉट कि थोड़ा सॉफ्ट है, बट इट्स नॉट लाइक मतलब एकदम आउट ऑफ द ब्लू टाइप्स की नहीं भाई ये तो एकदम ही गलत कर दिया. आई डोंट थिंक वैसा था. और पेनल्टी के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है मानस, जो पेनल्टी मिली थी पोर्चुगल को? यार सिमिलर है निधि, लाइक कोई लोग सॉफ्ट बोल रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं डाइव है, कोई बोल रहे हैं इम्पैक्ट है. रियल टाइम में मेरे को पेनल्टी लगा. हाँ, रियल टाइम में तो मेरे को भी पेनल्टी लगा. देख ऑनेस्टली बात क्या है ना कि आप उसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव डिबेट कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव डिबेट कर सकते हो, लेकिन जो रूल्स के हिसाब से ना, ही गॉट मतलब ही डिडंट गेट द बॉल. आई थिंक रूल्स के हिसाब से तो इट वाज अ पेन. या वी हैव सीन वे सॉफ्टर, बहुत सॉफ्ट, इससे ज्यादा और भी देखा हमने दिए हुए. अब वो आप इस पे कर सकते हो कि भाई आप मतलब वो उसका इंटेंशन और मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट डाल के वो डिबेट हो सकती है. आई विल टेल यू द मोर डिबेटेबल डिसीजन यस्टरडे. वो घाना के प्लेयर को रेड कार्ड कैसे नहीं मिला ब्रो, जब वो अपना मतलब हेडबट करने गया? हाउ डिड ही नॉट गेट अ रेड कार्ड देयर? मतलब रेड कार्ड तो इंटेंट के ऊपर मिलता है ना, intent and the danger and the tackle or the abuse. yeah, मतलब वो भी हो सकता था but नहीं किया ना land. but bro वैसे तो मतलब जब तक तुम बाल खींच के गिरा नहीं दोगे तब तक पेनल्टी नहीं देंगे, मतलब रेड कार्ड नहीं देंगे. तेरे को याद है एक बार अपना इसको मिला था होजे एनरिके को न्यूकासल के अगेंस्ट. yeah, he went and he didn't land, ना he missed, but रेड कार्ड तो पेनल्टी पे मिलता है ना, सॉरी इंटेंट पे मिलता है ना. वो तो प्रीमियर लीग की तो बहुत अलग बात है. और लाइक आई फाउंड इट अ लिटिल वियर्ड. हां मतलब ठीक है अभी मतलब, बट एज लॉन्ग एज पोर्चुगल हैव वन आई एम श्योर दे वोंट हैव मच टू कंप्लेन. बट वो पेनल्टी के बारे में वापस, वो 50-50 था मेरे लिए नीति. सॉफ्ट या हार्श या इंपैक्ट या सो अगर इट either way it would have gone, I wouldn't have been like I was not too bothered about that decision honestly. मैं ज़्यादा bothered नहीं था उस decision. rules के हिसाब से penalty थी यार, मैं ये बोलूँगा rules के हिसाब से तो penalty थी वो. हाँ वही ना, मतलब बाकी उसमें आप subjectivity डाल दो कि भाई ये गलत है, मतलब ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, उसका intent था नहीं था, वो मैं मानता हूँ. मगर आई थिंक देयर वर अदर डिसीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पी भानु, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड रियली अप्रिशिएट दिस. थैंक यू फॉर सेइंग दैट, रियली काइंड ऑफ यू. घाना ऑलमोस्ट मेड अ कमबैक भाई, घाना बुरा नहीं खेली. हां दे मेड अ कमबैक. अब देख मैं वही बोल रहा ना, द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट दैट वाज दे इक्वलाइज्ड. दे शुड हैव नॉट बीन इन दैट पोजीशन. दे वेंट 3-1 डाउन. Like they should have not been in that position. And I really find it frustrating that they found themselves in that position. Sure, they pulled one back, 3-2, but यार मेरे को नहीं लग रहा था वो equalize करेंगे after that. And Bruno Fernandes totally was top notch. हाँ, मैं तो बोला ही पर man of the match था मेरे हिसाब से तो शुभ भाई, मतलब वो लग नहीं रहा equalize करेंगे, but Diogo Costa he tried his best to make it interesting. हाँ सैयद, आपका सुपर चैट मिस नहीं हुआ है भाई, अभी हम मैच बाय मैच जा रहे हैं, अदरवाइज कॉन्वर्सेशन बहुत इधर उधर हो जाएगा, तो अभी हम पोर्चुगल वाले मैच की बात कर रहे हैं, तो आपका सुपर चैट मिस नहीं हुआ है, मैं डेफिनेटली लूंगा उसको जब हम ब्राजील पे पहुंचेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट मानस। हाँ बोलना, मतलब जब ये पोर्चुगल वाला मैच चल रहा था, अभी पोर्चुगल के लिए ये दिस इज अ मैसिव रिजल्ट, मैसिव, मतलब क्योंकि उरुग्वे ने ड्रॉ कर लिया है, साउथ कोरिया दोनों एक पॉइंट पे हैं अभी, दे हैव अ 2 पॉइंट लीड ओवर 2 टीम्स एंड 3 पॉइंट लीड। आई थिंक नेक्स्ट क्या है ना कि उरुग्वे वाला जो मैच है ना अभी, मतलब ऑब्वियसली वो चाहेंगे जीतना, बट अगर ड्रॉ भी करा लिया ना तो इट इज नॉट अ डिजास्टर। मैसिव रिजल्ट फॉर उरुग्वे, फॉर पोर्चुगल। देन दे जस्ट नीड टू बीट साउथ कोरिया, बट उरुग्वे ज्यादा डेस्परेट होंगे। See, because possibility ये है कि Uruguay could be bottom of the table heading into match day 3. वो possibility है because Uruguay are playing Portugal. अगर वो हार गए hypothetically, Portugal are 6, Uruguay will be 1. South Korea तो 1 पे है ही. Ghana अगर जीत गया, so they find themselves in a like very tough situation Uruguay. So Portugal are in pole position. Massive result, massive performance. Had to dig deep. It was not pretty. It was not pretty at all, but उन लोगों ने कर दिया, ये वर्ल्ड कप में नहीं थी, यही है ना, करो, but just get over the line, and they got over the line. Beautiful, beautiful football पे भी आएंगे और beautiful football तो कल देखने को मिला हमको, but वही है यार, देखो पोर्चुगल का ये था कि आप पोर्चुगल को भी देखो ना, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में where they have done well, जैसे यूरो में भी, तो they grew into the competition slowly. और भाई एक भी गेम नहीं जीते थे ग्रुप स्टेज में, 3 ड्रॉ। तो मतलब आई थिंक कि आपको ना फर्स्ट, जैसे आप ब्राजील को भी देख लो यार, फर्स्ट हाफ में दे वर कॉशियस। आई थिंक थोड़ा सा टीम्स के दिमाग में वो भी है कि जापान और सऊदी अरेबिया का रिजल्ट देख के दे आर अ लिटिल कॉशियस इन देयर अप्रोच, व्हाटएवर यू वांट टू से, क्योंकि पहला मैच अगर आप हार जाते हो ना, थिंग्स कैन गो हेवायर फॉर यू वेरी वेरी क्विकली। जस्ट आस्क जर्मनी, बहुत गंदे सिचुएशन में अर्जेंटीना, बहुत मतलब अर्जेंटीना का मैं बोलूंगा ग्रुप फिर भी थोड़ा रिलेटिवली सिंपलर पोजीशन है, हाँ, मगर जर्मनी की तो हालत खराब है भाई। दे कुड बी ऑन द वर्ज ऑफ द सेकंड ग्रुप स्टेज एग्जिट इन द सेकंड इन अ दिस थिंग इन अ रो। हां, साउथ कोरिया विल बी अ टफर फिक्स्चर देन उरुग्वे। यार देखो राजेश, क्या है ना कि ये हम एक मैच के बेसिस पे बोल रहे हैं ना, मतलब उरुग्वे का भी वो है कि वो भी धीरे-धीरे ग्रो करते हैं कॉम्पिटिशंस में, तो Uruguay will give more chance and get more chance. हाँ, मतलब you could see a very different Uruguay. देख, Uruguay के लिए point will not be the end of the world, because अगर Uruguay get a point supposedly, Portugal 4, Uruguay 2, correct नहीं थी, and then Uruguay will have to play Ghana in the last game. हाँ, so they will have like अभी Ghana के 0 हैं, घाना और साउथ कोरिया का जो भी होता है, दे विल हैव डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स, अनलेस साउथ कोरिया बीट्स घाना एंड पोर्चुगल प्लेज अ वीकेंड टीम और समथिंग, व्हिच आई डोंट थिंक कैन, बिकॉज़ 4 पॉइंट्स एग्जैक्टली, बिकॉज़ 4 पॉइंट्स ही होंगे, सो अ पॉइंट फॉर यूरुग्वे वर्स्ट रिजल्ट नहीं होगा, बट यूरुग्वे हैव टू गो फॉर द विन, बट गोइंग लाइक मेंशनड ओवर देयर, अगर वो गोल्स के लिए जाएंगे तो फिर पोर्चुगल काउंटर पे गोल मार सकता है, तो बहुत ही यार यही मजा है ना, एक 19-20 वाला रिजल्ट gives you insane games, Germany, Spain. It gives you insane games. We got Mexico, Argentina, right? Is the next or Poland, Argentina? And then Argentina? And then Uruguay. Ah, Mexico versus Argentina. Correct. Yeah, Argentina, Mexico. Suarez. ये 3 गेम agreed. Insane होंगे bro. मतलब अभी तो उस ग्रुप में, जर्मनी वाले ग्रुप में, दोनों ग्रुप में मैचेस बहुत इंटेंस होने वाले हैं, मतलब अभी जो गेम वीक 2 होगा ना वो, आई थिंक that will be much more intense और मजा आएगा देखने में. Yeah. Guys, अभी तक अगर आपने स्ट्रीम लाइक नहीं किया प्लीज कर दीजिए यार. 276 पीपल वॉचिंग, बहुत सही नंबर है हमारे लिए. प्लीज लाइक कर दीजिए. और अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मैंने इन द मॉन्ग को, लेट्स सब्सक्राइब, लेट्स हेड इनटू द योगा बोनितो निधि, द ब्यूटीफुल फुटबॉल ऑफ ब्राजील. निधि, कैसा लगा गेम? बहुत मजा आया. मतलब सेकंड हाफ तो अलग ही लेवल खेली यार ब्राजील. फर्स्ट ऑफ ऑल सैयद, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. हाँ यार, देखा नेमार का एंकल, इट्स सोलन. अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है. मतलब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या उसके कितने लंबे इफेक्ट्स हैं, कितने दिन तक बाहर रहेगा. बट आई थिंक सेफ टू से नेक्स्ट मैच शायद नहीं खेले नेमार. आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक ऑफिशियल वर्ड का वेट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा कल. नेमार भी बहुत शानदार खेला, तो ऑब्वियसली जब प्लेयर को किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो देख के आपको अच्छा नहीं लगता है. बट हाँ, थैंक यू फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मानस. ब्राजील वर इंपीरियस भाई. मतलब सम ऑफ द गेम्स वर वेरी बोरिंग. हाँ, ही चीचे सेड ही विल बी फाइन. अच्छा, ओके, इफ ही विल बी फाइन दैट्स ग्रेट, बिकॉज आई थिंक मतलब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट. मतलब ब्राजील की टीम तो देखो यार पूरी स्टैक्ड है, ठीक है. ब्राजील में हर पोजीशन पे आपको दो दो तीन तीन प्लेयर है. मतलब उनकी बेंच जब मैं कल देख रहा था तो मतलब लाइंस ऐसे, मार्टिनेली खड़ा है, रोड्रिगो खड़ा है, फ्रेड है, फेबिनियो है, एंटनी है, मतलब और भी मैं डेफिनेटली बहुत सारे नाम भूल, ब्रूनो गुमेरेस खड़ा हुआ है. तो टीम तो उनकी स्टैक्ड है. But I think Neymar is still the most important player for them in terms of experience, in terms of what he does as a number 10. Yeah. So I think if he's fine, that is fantastic news here for Brazil. Yep. Neymar will continue. Chiche said it's just a precautionary measure. He'll start the next match. Oh, great. Okay. I think बहुत अच्छी बात है. And टॉक्सिक भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. दैट्स रियली काइंड ऑफ यू. आई मीन यू कीप कमिंग, सो थैंक यू सो मच. ब्राजील आर प्लेइंग स्विट्जरलैंड नेक्स्ट, सो स्विट्जरलैंड भी जीता 1-0. इफ यू रिमेंबर, एम्बोलो गोल मारा कैमरून के अगेंस्ट. मैंने देखा नहीं वो मैच यार. तूने देखा क्या? नहीं, मैंने वो गेम नहीं देखा. एम्बोलो स्कोर्ड अगेंस्ट the country where he was born, and so anyway, good win for Switzerland. Switzerland ऐसी टीम है ना निधि जो धीरे 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 चुपचाप राउंड में पहुंच जाती. ज्यादा लोग, तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से. Can you hear me? हाँ, now I can hear you. हाँ, sorry, phone था इधर थोड़ा. ऐसी टीम है कि चुपचाप स्विट्जरलैंड पहुंच जाती है और किसी को पता नहीं चलता निधि. They are one of those teams. And it's an important game for Brazil because they would be wanting to top the group. So I think अगर नेमार फिट है आसपास तो वो खेलेगा for sure. निधि, starting 11 जैसे सादिक भाई बता रहे हैं कि you know like second starting 11. सादिक भाई showing off. हाँ, सादिक भाई showing off. वो ये surprised that Alessandro Danilo started, Paqueta started. Paqueta तो चल ठीक है, but Danilo and Alessandro started? No, I think मतलब Alex, because Alex Telles, Militao were, I think the, हाँ, yeah, मतलब left back पे not really यार. I think Alex Telles थोड़ा attacking in output, मतलब वो midfield में जाके merge कर सकता है ना Alex Telles. बट जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे टीम्स ना थोड़ा कॉशियस टाइप का अप्रोच के साथ जा रही हैं, एंड आई थिंक दैट माइट बी, यू नो, दैट माइट बी द रीजन व्हाई ही स्टार्टेड विद अलेक्सेंड्रो. का भी एक शॉट था बाय द वे, ब्यूटीफुल गोल्स की हम बात कर रहे हैं. वो भी एक ब्यूटीफुल गोल हो सकता था यार. क्या स्ट्राइक था! थंडर बास्टर्ड बोलते हैं ना, थंडर बास्टर्ड ऑफ अ शॉट. थंडरबोल्ट नहीं, स्काउटलैंड में थंडर बास्टर्ड बोलते हैं. ये जेरार्ड के लिए बोलते हैं, जेरार्ड्स थंडर बास्टर्ड्स. अच्छा थंडरबोल्ट क्या, आई थिंक मतलब थोड़ा अप्रोच के हिसाब से सादिक भाई भी वही बोल रहे हैं. Danilo and Sandro were good in the job given to them. Hold the defensive shape and let the front five wreak havoc. तेरे को लगा क्या कि मतलब शायद टेलेस को खिलाना चाहिए था? नहीं मतलब hindsight में they won 2-0. I was just asking कि when you saw the lineup तभी अभी yeah I agree with Sadiq भाई क्योंकि they did their job defensively. Serbia literally offered nothing. मतलब प्रोसेशन था, इवन दो फर्स्ट हाफ में ज्यादा कुछ हुआ नहीं. सो जॉब वेल डन बाय चीचे राइट, नीति विल प्रोनाउंस इट एज चीचे. जॉब डन, गुड टीम सिलेक्शन एंड क्रेडिट तो देना पड़ेगा बिकॉज रिचार्लिसन स्टार्टेड नीति, एंड रिचार्लिसन इज नॉट समवन दैट यू एंड मी आर अ बिग फैन ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट निधि मानना पड़ेगा कल क्या खेला वो भाई. वो कंट्री मैंने कल लाइव एग्जैक्टली मैंने लाइव में भी यही बोला है कि फॉर हिज कंट्री ही प्लेज वेल. क्लब लेवल पे तो मैं अभी भी बोलूंगा कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रिचार्लिसन. आई डू नॉट मतलब मेरे को अब वो मेरा ओपिनियन है, अगेन यू कैन डिसएग्री हैव व्हाटएवर, एंड आई एम नॉट कॉलिंग हिम अ बैड प्लेयर बाय द वे. आई एम जस्ट सेइंग कि क्लब लेवल पे मेरे को उसके परफॉर्मेंस पसंद नहीं है अपने को. वो तो उसकी हरकतों की वजह से मतलब आई एम श्योर नहीं पसंद आएगा, लेकिन यार ऑनेस्टली फॉर ब्राजील तो अच्छा ही खेलता है. और मानसी कुछ भी उस दिन we were having a conversation. She compared some footballer with Bumrah. She's like Bumrah जैसे. मैंने बोला क्या कर रही है बात तो. Anyway sorry हाँ. नहीं मतलब बुमराह क्या आईपीएल अच्छा नहीं खेलता है कि क्या ऐसा कुछ सीन? आईपीएल में अच्छा खेलता है मुझे ना. अच्छा आईपीएल में अच्छा खेलता है. Obviously for Indian team also he plays really well. But according to मानसी के analogy वो था वो. हाँ नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देख यार रिचार्लिसन अगर तू चीचे का प्रेफरेंस भी बोलेगा तो वो उसको प्रेफर करता है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि रिचार्लिसन मतलब क्यों खेल रहा है, किसी और को खिलाना चाहिए था. सब माना ठीक है, मगर द रियलिटी इज कि भाई कल मारा ना, मतलब वो गोल मेरे हिसाब से तो गोल ऑफ द टूर्नामेंट है सो फार. या द सेकंड गोल निधि, सेकंड गोल लिट द वर्ल्ड कप. वो बोलते हैं ना कि बॉल लिया टर्न्स एंड स्कोर्स, मतलब प्रॉपर मतलब वो जो बोलते ना. कल मैं बाबा के स्ट्रीम पे था और बाबा ऑब्वियसली 30 सेकंड आगे थे क्योंकि मैं मरो सिनेमा पे देख रहा था. तो मतलब बाबा बोले कि ये है, हम लोग तो म्यूट पे देख रहे थे. और बाद में मैंने पीटर ड्यूरी की कमेंट्री भी सुनी, उसने भी वही बोला भाई कि ये दिस इज ब्राजील, मतलब दैट इज व्हाट यू वांट. ये ब्राजील आपको ये लेके आती है वर्ल्ड कप में. आप ब्राजील के फैन हो नहीं हो, आप शायद अर्जेंटीना के फैन हो, तो ब्राजील आपका राइवल है जो भी है, मगर भाई जिस तरह से उन लोग गोल मारा, फिर सेलिब्रेशन देखा वो ऐसे जो सेलिब्रेट किया उन लोग ने प्रॉपर, मतलब फ्लेवर आ गया वर्ल्ड कप का, स्वाद मिल गया निधि, स्वाद मिल गया वर्ल्ड कप. ये है स्वाद वर्ल्ड कप का, ऑनेस्टली यही है. ब्राजील से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो. और ब्राजील एग्जैक्टली फहद, ब्राजील पंथी सबकी आती नहीं, इनकी जाती नहीं. सच बात है, ये सच बात है भाई. ब्राजील तूने ब्राजील के इंस्टाग्राम अकाउंट पे तूने ब्राजील का वीडियो देखा है? एक देयर इज अ वीडियो ऑफ देम अराइविंग, उनका बस ड्राइवर से लेके पूरी टीम ड्रम्स बजा के नाच रही है. तो एक होता है ना कि यू आर देयर एंड यू नो, अब जैसे आप पोर्चुगल को देखो या इंग्लैंड को देखो तो आप क्या मतलब फोकस है, हैरी केन को दिखाएंगे, वो एकदम हंस नहीं रहा है, ऐसे करके बैठा है, फोकस है. और वो भी सही है, अ लॉट ऑफ देम यू नो वो उस चीज से के लिए काम करते हैं, मगर ब्राजील का है दे वांट टू एंजॉय देयर फुटबॉल एंड दे डू, मतलब ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड भाई, एंड दे डोंट फेक इट. वो उनका कल्चर ही वैसा है, उनका कल्चर अपने. हाँ निधि, बिकॉज बहुत सारे लोग जैसे हमने पहले भी बात किए थे, यू नो लाइक फुटबॉल फॉर देम वाज एन एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी ना निधि, फॉर मेनी ऑफ दीस ब्राजीलियंस. and they truly enjoy each and every moment. Representing the country for them is insane. World Cup khel rahe insane, and they genuinely want to bring joy and happiness to everyone. It's bhai Richarlison ka goal to no one enjoys football the way Brazilians do. No one does. No doubt. Bhai ब्राजील और मैं एक चीज बोलूंगा, रिचार्लिसन का गोल तो खैर था ही, उसके बारे में हम लोग ने बात की। विनिशियस का असिस्ट क्या था ब्रो? आउटसाइड ऑफ द बूट, आउटसाइड ऑफ द बूट पिच ऑफ अ बॉल, वही एग्जैक्टली टॉक्सिक। मैं इसी पॉइंट पे बोलने वाला था भाई, क्या असिस्ट था यार उसका, ब्रिलियंट, अमेजिंग यार। लाइक विनिशियस इज जस्ट 22 नितिन, ही इज जस्ट 22. It's scary what he can achieve in his career. Already 2-3 Champions League जीती गया, I think. एक तो जीता है, दो पता नहीं, but league title दो जीता है ना? दो जीता है? नहीं, एक ही जीता है ना? एक जीता है. अच्छा, okay. But what a player यार, what a player. Like Vinicius जैसा player अगर आपके पास है तो चीट कोड ही है भाई. At times he's a cheat code, bro. It's हाँ, वो चीट कोड ही था वो भाई। वो पहली बार में उसको बॉल मिला, उसने पास किया, मतलब विनिशियस तो है ही यार, मतलब he can be। अब रिचार्लिसन बोल रहे हैं लोग गोल्डन बूट के लिए आफ्टर यस्टरडे, बट आई थिंक विनिशियस इज आल्सो गुड शॉट। वो तो कट इन करके गोल मारेगा ही। हाँ, बट अभी वो रिचार्लिसन का वो एक दो और मार दे तो फिर वो तो चढ़ ही गया ना, फिर तो वो चढ़ ही गया। और फिर ब्राजील जैसे चांस अभी देख, एक चीज पक्की हो गई नितिन, पहले हमारा डिबेट ये था कि आगे कौन खेलेगा, जेसुस या रिचार्लिसन, बट आई थिंक ये परफॉर्मेंस के बाद पता चल गया है कि रिचार्लिसन ही खेलेगा। निधि एक दो लोगों ने रफीना के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तेरा क्या ओपिनियन उसके बारे में? I think he was okay, मतलब I don't think उसने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं किया। Obviously एक दो situations में, मतलब एक तो उसने जो उसके पास बॉल आई वो ठीक से, मतलब I think that ball arrived a little too quickly for him, जो उसने शॉट लिया और you know सीधा सर्बिया का कीपर by the way क्रेटोस था, गॉड ऑफ वॉर से, तो वैसे ही दिख रहा था वो। बट I don't think he was। एक कमेंट आया है यार भाई, मतलब एज अ बारसा फैन आई रियली वांट टू, डिसअपॉइंटिंग तो मतलब मैं बोलूंगा कि काफी वेस्टफुल था फर्स्ट हाफ में, बट फर्स्ट हाफ में तो पूरी ब्राजील की टीम थोड़ा ना, मेरे को लगा कि थोड़ा सबड्यूड होके खेल रही है, बट आई डोंट थिंक कि उतना बुरा था। फिनिशिंग डेफिनेटली अच्छी हो सकती थी उसकी, वही कोई बोल भी रहा है। आई थिंक ही इज नॉट अ गुड फिनिशर, आई थिंक फिनिशिंग उसकी डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, बट आई डोंट थिंक ही हैड अ पुअर गेम। रन्स तो बहुत अच्छे बनाए उसने, लिंकअप तो उसने बहुत अच्छा किया मिडफील्ड के साथ, तो आई थिंक ही वाज ओके, बट आई थिंक हिज फिनिशिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट यार। जो हमसे भाई, अगर हम डार्विन नूनेज के बारे में बोल रहे हैं कि अगर उसने सारे रन्स अच्छे किए और सब कुछ अच्छा किया, तो सिमिलर मतलब वैसे ही था ना यार रफीनिया भी यार। पहला वर्ल्ड कप है उसका, ये भी समझो यार, it's his first world. How old is Rafinha? I'll just check, but it's his first world cup, first game in the world cup. Vinicius ka bhi first world cup hi hoga, Richarlison ka bhi, 25 years old Richarlison ka bhi first world cup hi hoga, Neymar ka first world cup nahi hai, Casemiro ka nahi hai, Thiago ka nahi hai, but you have to understand that you are playing against a team which is sitting back, playing against a team which is good. Serbia, I think, didn't lose any of the single games in the World Cup qualifiers, yaar. And they topped a group जिसमें Portugal था. Serbia अच्छी टीम है. आप sure you can say that he was wasteful, he was disappointing, but I think Chiche will start him the next game for sure. There is no way he drops him. There's no way you drop. In my humble opinion, you should not drop a player after winning a game where you can question first half सबका disappointing था। अगर वो रफीना को ड्रॉप करते एंटनी को लगेगा, एंटनी को भी तो टाइम लगेगा ना टू स्टार्ट जेलिंग इन, और स्विट्जरलैंड अच्छी टीम है। आफ्टर दिस रिजल्ट एटलीस्ट रफीना का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा. यू हैव टू प्ले रफीना फॉर द नेक्स्ट गेम. हाँ अगेन यार देख वो थोड़ा हम लोग ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं. हम लोग मतलब पीपल इन जनरल हम लोग थोड़ा ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं. बट यार इट्स ओके. नॉट एवरी परफॉर्मेंस विल बी अ 10 ऑन 10 परफॉर्मेंस. या एग्जैक्टली. तो सॉरी बॉयज मैं जरा इडली ऑर्डर कर रहा हूँ सो थोड़ा 2 मिनट फोन पे रहूंगा. आर वी नॉट गोइंग टू गेट अ चांस टू डांस फॉर दैट वेरी फर्स्ट. Jesus is not a prolific goal scorer. Richarlison plays a poacher for Brazil to do all the dirty work for the team and तोड़ता है सबको नेमार को फ्रीडम के लिए. हाँ यार ये कल हम लोग बात कर रहे थे. सादिक भाई ने भी यही बोला कि भाई रिचार्लिसन जो है ना वो ही प्रोवाइड मतलब वो नेमार को बहुत सारा फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है by doing all the dirty work. अगर एक गैंग होता ना निधि एक गैंग होता ना जैसे उसमें एक बंदा बहुत इफेक्टिव होता है एक बंदा लीडर होता है और एक बंदा होता है ना जो गैंग के लिए सब कुछ कर देगा. थोड़ा राउडी होता है थोड़ा मतलब दूसरे पीपल हेट हिम दैट इज रिचार्लिसन. बट अगर वो आपका गैंग मेंबर है आप जानते हो कि भाई नंबर 3 ये हमारा है ये हमारे लिए रिचार्लिसन बेस्ट. हाँ नहीं यार मतलब कल आई थिंक कल एक आर्टिकल भी आया था मैच खत्म होते ही. आई थिंक इट वाज नील जोन्स और समबडी कि यू नो क्लब के लिए जैसा भी खेलता है फॉर हिज कंट्री ही इज ब्रिलियंट. एंड वो बात सच है. या 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 ही इज एब्सोल्युटली वंडरफुल फॉर हिज कंट्री. आई थिंक लास्ट मैं पढ़ रहा था 9 मैच में 7 गोल या 7 मैच में 9 गोल ऐसा कुछ है इसका रिचार्लिसन का फॉर ब्राजील. अगर ब्राजील के लिए ये नंबर्स है विच इज स्टैगरिंग जब आपने आपके पास इतने सारे अटैकिंग ऑप्शंस हैं. एंड आई थिंक ब्राजील हैव श्योर स्पेन ने 7 मारा श्योर इंग्लैंड ने 6 मारा बट वो जो रिचार्लिसन का मोमेंट है रिचार्लिसन का जो सेलिब्रेशन उसके बाद दैट हैज लिट द वर्ल्ड कप. और सादिक भाई से हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब हम वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में सोचते हैं हम ब्राजील के बारे में सोचते हैं. जब ब्राजील के बारे में सोचते हैं वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं और यही हुआ. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट टू विटनेस दैट. ब्राजील गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट इज समथिंग व्हिच एवरी न्यूट्रल विल लाइक. हाँ मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है. और एंड आई थिंक दैट अनलेस कोई मतलब अ रियली बैड डे और अ रियली मतलब बहुत अजीब सी चीज हो जाए आई थिंक दे विल गो डीप इन द टूर्नामेंट. दे हैव बीन द मोस्ट इंप्रेसिव you know South American team for so far. I think Spain, England, Brazil ये तीन ने बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है. और भाई एक बात समझो कि मतलब स्पेन कोस्टा रिका इंग्लैंड इराक ऑपोजिशन ने ज्यादा टेस्ट नहीं किया बट सर्बिया इज अ गुड टीम. दिस इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंग्लैंड और स्पेन. आई मैंने तो पहले भी बोला है कि स्पेन को बहुत लोग अंडररेट कर रहे हैं. दे आर अ फैंटास्टिक टीम बट आई थिंक ब्राजील की हाइप तो मतलब वेल डिजर्व्ड है यार. और मतलब आई थिंक दे विल रियली गो डीप इन द कंपटीशन. मतलब इट इज मजा भी आएगा. मतलब ब्राजील तो ब्राजील है उसमें गाइस. 233 ऑफ कोर्स 233 पीपल देख रहे हैं और अभी तक 235 लोग देख रहे हैं. 234 लाइक्स हैं. सो इतना बुरा नहीं. रेणुका मेरे को व्हाट्सएप कर रही है. वो बोल रही है आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ आई कैन नॉट हियर प्रॉपर्ली. नेमार का दैट्स व्हाट वी आर हियरिंग वंश कि हो जाएगा वो फिट. मतलब उसकी इंजरी देख के तो बुरा लगा मतलब अजीब सा लग रहा था और उसका पूरा ऐसा अंकल स्वोलन था. और क्या बोलते हैं जब वो रो भी रहा था आई थिंक बट चीचे ने बोला है कि फियर होता है ना जब ऐसा मोमेंट होता है कि यार कुछ सीरियस ना हो जाए. दैट इज द फियर दैट यू हैव ऑलवेज. जब ऐसा कुछ इंजरी होता है ऐसा कोई मोमेंट होता है वर्ल्ड कप में आप फियर करते हो कि यार खत्म ना हो जाए. वही सीन था. आज कौन से मैचेस हैं मानस एक बार रुक मैं देख ही लेता हूं स्क्रीन. मैं तेरे को बताता हूं निधि. आज है लास्ट गेम इज इंग्लैंड यूएसए एट 12:30 एएम. वी स्टार्ट सॉकर वर्सेस फुटबॉल. हां या वेल्स वर्सेस ईरान एट 3:30 पीएम निधि. Qatar, Senegal at 6:30 PM. The beautiful, most sexy centre back. Virgil van Dijk's Netherlands take on Ecuador at 9:30. England versus USA at 12:30 AM. ये वन फुटबॉल में यार ना 12:30 वाला पता नहीं मैच दिखाते नहीं है, बिकॉज़ वो कल हो जाता है ना, उनके लिए नेक्स्ट डे हो जाता है। तो टुमारो में भी नहीं दिखा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? Important games are today, Nidhi, especially for Wales, Iran, Qatar, bro. Qatar versus Senegal interesting होगा। Senegal हारा भाई, Senegal need to win this, Nidhi. Senegal desperately need to win this. भाई वो मार दिया ना, क्या बोलते हैं इन्होंने, नेदरलैंड्स ने हरा दिया ना सेनेगल को। हाँ, तो अब तो भाई बहुत जरूरी हो गया है। और यार वही है ना, मतलब इट्स जस्ट कि सादियो माने होता तो क्या सही बात होती। बेचारा पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। स्वप्निल लिखता है सॉकर्स कमिंग होम। रात को निधि सोचना, निधि I'm excited to see England play यार। I never thought I would say this, but I'm excited to see England play. Yeah, I am excited to see England play purely because they are playing. भाई एक बात बोलूं, टीम विया और क्रिस्टियन पुलिसिच, if they play well ना, England have deficiencies that वो लोग exploit कर सकते हैं। And I know कि मैं तो openly बोलता हूँ कि मेरा bias है England के against, मैं मानता हूँ, लेकिन आई स्टिल फील कि जैसे उस मैच में बेलिंगम और राइस का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन ना हैज सर्टेन डिफेंसिव कुछ डेफिशिएंसीज हैं जो एक्सप्लॉइट कर सकती है कोई टीम अगर मगर एक सर्टेन वे में खेले तो। मैं डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कर सकती है। हैविंग सेड सो, इंग्लैंड हैव बीन बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस रहा है उनका, मतलब मैं अगर अपना बायस हटा के बोलूं, आई थिंक दैट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंग्लैंड बेलिंगम इज अनदर शाइनिंग स्टार इन दिस वर्ल्ड कप, वो मजा आएगा देखने में है यार। तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, वॉच आउट फॉर टाइलर एडम्स एंड यूनुस मूसा के मिडफील्ड दे विल, मैं वही बोल रहा हूँ, ये जूड बेलिंगम और राइस का जो कॉम्बिनेशन है ना, बोथ ग्रेट प्लेयर्स, ये साथ में जब खेलते हैं ना तो ये पीछे जगह छोड़ते हैं, और वो एक कोई टीम अगर वो नेगेटिव स्पेस को अगर वो लोग एक्सप्लॉइट कर सके ना, वहां पे बॉल डाल के जल्दी से ट्रांजिशन में किसी ने विंग में डाला एंड समबडी मेक्स अ लेट रन, दैट इज अ प्ले व्हिच आई सी कैन हर्ट इंग्लैंड। एंड यूएसए हैव दी, हां मानस भैया की इडली आ गई। नहीं अभी ऑर्डर किया स्विगी से यार, सॉरी। हां तो आई थिंक वो यूज हो सकता है, बट अगेन ये सब थियोरेटिकल है यार, ये सब हम थ्योरी में बात कर रहे हैं, मतलब वही है। मतलब हम लोग रिक्वेस्ट नहीं ले रहे गानों के गाइस, मतलब आले आले हो जाए। Via was very impressive against Wales. Also Josh Sargent is also a good player, Nidhi, that they have. USA, I think USA they have some exciting players. पहले ऐसा होता था ना, USA के players आपने कभी नाम ही नहीं सुना है, तो ऐसा जॉक जैसे players, वो बोलते हैं ना जॉक, वैसा वो जॉक जैसा प्लेयर आ रहा है बस। बट अभी आप देखो उनके प्लेयर्स अलग अलग क्लब्स के लिए खेल रहे हैं, यूरोपियन लीग में, काफी जर्मनी में खेल रहे हैं, तो मतलब आई थिंक वही है। बस ये यूएसए का कोच एरनसन को स्टार्ट करवा दे इन मिडफील्ड, कॉज बरहाल्टर उससे बेटर, साउथगेट प्रो मैक्स। हाँ यार वही, यूएसए का कोच भी थोड़ा सा ना डिफेंसिव फुटबॉल खेल लेता है। अभी साउथगेट बाहर निकलेगा कि नहीं, क्योंकि मतलब क्या है, वो शायद थोड़ा डिफेंसिव चला जाए। पता चला आज के मैच में उसने राइस और कैल्विन फिलिप्स को स्टार्ट करा दिया, तो वो भी पता नहीं, देखते हैं। देयर इज नो वे ही बेंचेस जूड, देयर इज नो, अगर वो जूड बेलिंघम को बेंच कर दे, मैं बंद कर दूं भाई। मैं बेंच की बात कहां कर रहा हूं, हो सकता है स्टर्लिंग के पोजीशन पे बेलिंघम को डाल दे। स्टर्लिंग तो आगे भी खेल सकता है ना, सॉरी बेलिंघम तो आगे भी खेल सकता है ना, वो इफेक्टिव मिडफील्ड में है ना, मतलब वो तो मिडफील्डर है ना, बट अगर as वो if, भाई as if Southgate has not taken decisions like this, but again मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरा बायस बाहर निकल रहा है, मतलब, तो इसलिए आई विल स्टॉप। देख आगे कौन कर रहा था, केन, स्टर्लिंग, हु वाज द थर्ड अटैकर, माउंट था एक मिडफील्डर, केन, स्टर्लिंग एंड देयर वाज अनदर अटैकर हु, साका। मतलब he cannot play Jude Bellingham in Sterling or Saka's position. Mount की जगह पे I don't think that will work. I don't think. नहीं यार, I think he will go for the exact same lineup. वो एक चेंज भी नहीं करेगा ये गेम में मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। निधि ये तो चलिए आज के मैच है, आज के मैच में मस्ट विन पर सेनेगल नेदरलैंड्स भी खेल रहा है, बट एक छोटा सिंस हमारा लिवरपूल बेस्ड चैनल है गाइस, लेट्स स्पीक अबाउट। अच्छा बाय द वे आज कौन-कौन से मैचेस हैं? नेदरलैंड्स, इक्वाडोर और हाँ, तो अगर इंग्लैंड फैंस हैं मैं भी जाके इंग्लैंड की जर्सी खरीद के आऊं क्या? You know the drill. Subscribe नहीं करोगे तो इंग्लैंड की जर्सी आ जाएगी घर पे। सॉरी मजाक करता हूँ। नहीं गाइस 8345 सब्सक्राइबर्स 8350 कर दो, 500 सब्सक्राइबर आ जाएगा, अच्छा लगेगा। Those of people watching us even now, I'm sure काफी फर्स्ट टाइमर्स होंगे, तो अगर फर्स्ट टाइमर्स है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। निधि लिवरपूल के बारे में एक छोटी सी बात कर लेता एंड देन लेट्स एंड इट। Of course we are going to come up with a detailed video about the current situation जो Liverpool find themselves in, और the current situation is कि did you watch Ian Ward? No, Julian Ward has decided that he's going to leave at the end of the summer. निधि Julian Ward कौन है, क्या है, जरा बताएगा? तो Julian Ward यार he is the successor of Michael Edwards. He is the मतलब director of football. वो basically it's his job to negotiate contracts. His job is to sell players, buy players. ये Michael Edwards is the famous player who got all those signings for Liverpool. एक जो हम बोलते थे ना कि Liverpool की signings most of them work. एक last comment है यार सौम्यदीप का, वो ले लेते हैं, मैं भूल गया था। Maybe other top teams like France, Spain, they played well and dominated. Brazil spread the joy and happiness on the field. Exactly. भाई हम लोग वही बात कर रहे थे कि बहुत सारी टीम्स ने डोमिनेट किया, बट ब्राजील की वाइब ही अलग है। वो तो हमने बात की सौम्यदीप, मतलब ब्राजील तो भाई क्या ही बोले, ठीक है, तो वो तो 100% अग्रीड विथ यू यार सौम्यदीप, नो डाउट एट ऑल, दे आर अ ब्रिलियंट टीम। वर्ल्ड कप के साथ हम ब्राजील को एसोसिएट करते हैं, बट कमिंग बैक टू लिवरपूल, सो उसका जूलियन वार्ड का काम है। अब जूलियन वार्ड ने यही समर में चार्ज लिया था, ही वाज द गाय हु गॉट लुइस डियाज, ही वाज द गाय हु गॉट डार्विन नूनेज, ही वाज द गाय मतलब कैल्विन रैमसे और ये सब जो प्लेयर्स हम लोग खरीद के लाए, ये सारा जूलियन वार्ड का काम है। पोर्चुगीज लीग में उसने बहुत सारा काम किया। ये मलेसा रेड्डी का एक ट्वीट आया था कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं अपर लेवल पे, इस पे हमने डिटेल में बात की है, तो आज शाम में वो वीडियो रिलीज होगा जिसमें वी हैव स्पोकन मोर इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। आई पर्सनली फील कि टू मेनी चेंजेस टू सून, या इट इज नॉट हाँ यार पोर्चुगल तो मैच जीती तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खेली, थैंक्स वास। आई थिंक दैट बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं फॉर माय लाइकिंग, और ऊपर लेवल पे जब चेंजेस होते हैं ना तो इट मोर ऑफन देन नॉट पॉइंट्स एट अ स्ट्रक्चरल चेंज, एंड आई थिंक द क्लब इज डेफिनेटली ऑन सेल। वॉट एवर जॉन हेनरी सेइंग, आई थिंक क्लब डेफिनेटली सेल पे है, और हमको बहुत जल्दी कुछ न्यूज सुनने को मिलेगी। Again, wait for the video. We have spoken more in detail about the possibilities. इसका क्या मतलब है? अभी हम सारा बोल देंगे तो फिर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, और वो हम नहीं चाहते हैं। But I just feel that बहुत सारे changes बहुत जल्दी हो रहे हैं। It did not give me a good feeling when I heard कि Ian Graham भी जा रहा है, Director of Research. My Godín भी resign किया recently. तो ये सब बातचीत हमने किया, थोड़ा लिवरपूल सेंटर कॉन्वर्सेशन किया, वीडियो शाम तक आ जाएगा, प्लीज देख लेना। विल रिलायंस बाय निधि लिवरपूल? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, सायराम का आई डोंट थिंक सो। आई ये तो इनफैक्ट रिलायंस ने भी डिनाई किया। आई डोंट सी रिलायंस अंबानी बाइंग लिवरपूल और एनी फुटबॉल क्लब फॉर दैट मैटर। ये अगेन इसके ऊपर हम लोग ने भी डिटेल में बात की है पिछले कुछ लाइव्स में। ही सर्टेनली कैन, बट आई डोंट थिंक दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेक सेंस फॉर हिम, सो नो मतलब अभी कौन होगा कौन नहीं होगा पता नहीं। बट गाइज आज 4 मैचेस हैं, आप अपने प्रेडिक्शंस दीजिए एंड देन वी कैन प्रॉब्ली एंड दिस, स्टार्टिंग विद वेल्स ईरान। गाइज वेल्स ईरान में आपको क्या लगता है क्या होगा, सब अपने चैट में डालिए। निधि तेको क्या लगता है वेल्स ईरान, देन विल टेक देयर प्रेडिक्शंस। वेल्स, आई थिंक वेल्स। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन निधि? स्कोर लाइन आई थिंक 1-0 और 2-0 वेल्स। आई डोंट थिंक ईरान एक्चुअली, बट इंग्लैंड के साथ भी 2 गोल मार ही दिया था, तो अच्छा आई विल गो फॉर 2-1 विन फॉर वेल्स। हां एग्जैक्टली, मतलब मैं उल्टा बोल रहा हूं। सादिक भाई इज गोइंग फॉर अ 1-0 ईरान, केशव इज गोइंग फॉर ईरान के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं यार बाय द वे 2-0 ड्रॉ वेल्स 1-0। आई एम गोइंग फॉर अ वेल्स 2 ईरान 1। I am going for a 1-0 Wales win. 1-0 Wales. The second match is the big match of Group A, Qatar versus Senegal. Qatar versus Senegal is a must-win game for both the sides. पहले गेम दोनों हार गए हैं. Qatar lost badly against Ecuador and Senegal lost 2-0 against Netherlands. इसका क्या prediction है निधि? And the guys in the chat, please लिखिए अपने predictions दीजिए. आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है ये गेम? वेरी इंपॉर्टेंट गेम, इट्स लिटरली अ 6 पॉइंटर, गो बिग और गो होम फॉर बोथ द साइड्स। हां सेम सेम, मैं भी एकदम सेम प्रेडिक्शन पे जा रहा हूं, 2-0 सेनेगल। सादिक भाई सेइंग 3-0 सेनेगल, 2-0 सेनेगल, 2-0 सेनेगल, 3-2, 4-0 सेनेगल, 2-2 ड्रॉ, 2-2 ड्रॉ। ओह वाओ, यू सी कतार स्कोरिंग 2, सेनेगल 2-0, सेनेगल 2-0, सब लोग 2-0 ही बोल रहे हैं। मैं 2-0 कतार, समवन इज सेइंग, मेरे को लग रहा है 2-0 सेनेगल। मानस आई सीन अपसेट हियर, 1-0 कतार। अरे चलो अपसेट। नेक्स्ट मैच क्या है? नेक्स्ट मैच इज नेदरलैंड्स वर्सेस इक्वाडोर, 9:30 पीएम टुडे। बोथ टीम्स हैव 3 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। इक्वाडोर, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे सिट डीप and try to get a point. Netherlands, हमने देखा they were struggling to break down their opponents in the first game, but they did finally. इसका क्या लगता है तेको निधि? Yes, मैं exactly यही बोलने वाला था, 1-1 draw. I'm going for a 1-1 draw. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 3-2 Netherlands, 3-1 Netherlands, 2-1 Netherlands, Netherlands 1 Ecuador 2. Okay, 3-1. Okay. मोस्टली नेदरलैंड्स भी बोल रहे हैं लोग। मैं ड्रॉ बोल रहा हूं, तू क्या बोल रहा है? 1-0 नेदरलैंड्स, 1-0 नेदरलैंड्स। ऑलराइट, और अब आते हैं फुटबॉल वर्सेस सॉकर पे। इंग्लैंड वर्सेस द यूएस ऑफ ए, ब्रेग्जिट वर्सेस द वॉल। आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा गाइस ये गेम में? द पॉलिटिकल पावर हाउसेस, we need your prediction for this guys. 4-1 Netherlands, okay. England 4-1 USA. Keshav says 2-2 England, 2-2 England, 4-0 soccer win, 3-1 4-0 England, 3-0 England. Ready? 2-1 United States. 2-1 United States. Oh my God, Nidhi. That's a big shout. हाँ मतलब मैं biased हो रहा हूँ, but ठीक है, what the hell. 2-2 या 3-0 England. Okay. 2 या 3-0 England. यार I'm sure USA were really good, but so were England यार in the first game. So केशव, I think किसी ने लिखा, केशव ने लिखा इंग्लैंड का आदत है, अमेरिका का। अच्छा anyway, यही है निधि। I started to read and then I thought I shouldn't. वो एक मीम है अमेरिका के। 2-1 England, 2-2 1-1 जील कुछ बोल रहा है निधि आपको। जील भाई आप अपना इंस्टाग्राम पे पुनीत कल्चर सर्च करो, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां पे आप जा सकते हो। पुनीत को मैंने बहुत फेमस कर दिया यार। पुनीत भाई, लॉर्ड पुनीत को सादिक भाई बोल रहे हैं हो जाए तो मजा आएगा, इंग्लिश मीडिया में आग लग जाएगी। ओह गॉड। एनीवे गाइस, पता चला इंग्लैंड ने 5-0 मार दिया यूएसए को। हाँ, इंग्लैंड जीतेगा ब्रो, इंग्लैंड आराम मेरे हिसाब से 2-0 3-0 जीतेगा इंग्लैंड। गाइस सो दिस वाज इट अगेन। थैंक यू यार, मतलब आप रोज आ रहे हो 11 बजे हमारे साथ। वी रियली रियली अप्रिशिएट इट। आप बिफोर वी एंड कमेंट सेक्शन में लिखो हु डू यू वांट अस टू अप्रोच एंड गेट एट 11 AM टुमारो और डे आफ्टर और वन ऑफ दीज डेज। आप कमेंट में बताइए, हम उनको डीएम करेंगे। हु डू यू वांट to see us collaborate at 11 AM in the coming few days, so that we ask them and we show them this part of the videos, तो उनको समझ आए कि they are wanted here as well. Cristiano Ronaldo, IJR, me, Baba, Sadiq bhai, Shahid bhai in Qatar. I know. Shahid, I was speaking with him on WhatsApp. Oh, he's in Qatar. तैमूर भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और वैसे भी मतलब अगर आप आईएसएल की जर्सी अगर अमेज़न वगैरह से लो तो पाकिस्तान में शिप हो जाएगी। सादिक सर, सादिक भाई बिजी रहते हैं यार, उनका हॉस्पिटल का काम रहता है ना। बात ये है, अभी मैं भी ऑफिस का ही काम करने वाला, तो आज हम लोग वॉच अलॉन्ग्स नहीं करेंगे। कुछ लोग पूछ भी रहते और आज हम लोग मतलब नहीं हो पाएगा, जब वी हैव वर्क। सो दिव्यांश वगैरह, दिव्यांश आए थे यार कल वॉच अलॉन्ग पे। दिव्यांश, मोहक और मार्करोनी तीनों थे लाइव पे वॉच अलॉन्ग पे हमारे साथ। करेंगे यार, कोलैब्स करेंगे। बट आईजीआर को हम काफी रीच आउट करते हैं। लेट्स होप दैट ही एक्सेप्ट्स वन ऑफ आवर इनविटेशंस और वो आ जाए। जीशान भाई को भी करेंगे, मोहक है, सादिक। सो या वी विल, राहुल गांधी को लिख रहा है, वी विल ट्राई टू, दिस वुड बी अ ड्रीम, दिस वुड बी अ ड्रीम। आई थिंक आई विल क्राई if this happens. I think that the purpose of the channel will be done if that happens. Like तो फिर हम बंद करके हिमालय चले जाएंगे। हाँ मतलब खत्म होगा ना फिर। मैंने सिंध मॉन्क को पुनीत लॉर्ड आ गए तो, हाँ लॉर्ड अगर आ गए तो फिर उसके बाद क्या बचा। हाँ 1 घंटा 10-12 मिनट हो गए गाइज। आई एम जस्ट सीइंग आपने करवाए क्या, कितने सब्सक्राइबर्स करवाए हमारे। और भाई याद रखो यूएसए की जर्सी तो है मेरे पास, तो इंग्लैंड सबकी जर्सी जैसे मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइबर पहुंच जाने चाहिए वरना। हाँ 8351 गाइस आपने करवा दिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट मानस भाई, इतने हैंडसम कैसे हो यार। मम्मी पापा, जीन्स ठीक ठाक मिल गई। संतूर मेडिमिक्स, संतूर और शेखाखाई शैम्पू। थैंक यू गाइस। फेयर एंड लवली। बाकी आप लोग एंजॉय करिए वर्ल्ड कप को। आज वॉच अलोंग्स में, आज मैंने सिंध मॉक पे नहीं होगा बट लाइव राउंड अप होगा। एक हम शाम में वीडियो रिलीज करने वाले हैं लिवरपूल के आउटगोइंग्स के बारे में, तो अगर आप लिवरपूल फैन हो, नहीं हो तो भी, मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देयर इज अ वीडियो आउट। एंड बाकी कल हम लोग फिर से मिलेंगे 11 बजे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया करो, और अगर आपने सब्सक्राइब किया भी है तो बेल आइकन दबाइए प्लीज, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और हम लोग वीडियोस रोज डाल रहे हैं और आप पे नोटिफिकेशन पे नहीं आ रहे तो वो एफर्ट हमारा थोड़ा सा वेस्ट होता है। हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग देखें। सो बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट जब भी वीडियो रिलीज हो नोटिफिकेशन आए, और फिर अपने स्वीट टाइम पे देखिए प्लीज। बेल आइकन दबाइए। आवर एफर्ट्स विल बी रीचिंग मोर ऑफ यू ऑल। थैंक्स एंड सॉरी। ऑलराइट, तो बढ़िया करो, यू नो वर्ल्ड कप एंजॉय करिए, बाकी मजा आएगा। काफी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप चल रहा है एंड लेट्स गो एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप।